हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावनी विद दी वर्ल्ड्स। अभी हमने एक महीने पहले बैगन के पेड़ लगाए थे, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी एक महीने में इस बैगन के पेड़ों में ये छोटे छोटे से बैगन उगने शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो हमने अपने छत के कोने से शुरू करा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो बैगन है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बाजार में जो बैगन मिलता है उनमें थोड़े बहुत केमिकल लोग मिला के देते हैं जिसमें बैगन बड़े हो जाएं, बट हम लोगों ने ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हैं। ये बैगन का पेड़ है और हम इसको लगाने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ ये शिमला मिर्च और टमाटर के भी पेड़ लगाए थे। तो देखिए, शिमला मिर्च के पेड़ में ये शिमला मिर्च उगनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हो। और एक मिर्च का भी पेड़ लगाया था वहाँ पर, उसमें मिर्चें भी होनी थोड़ी बहुत शुरू हो गई हैं। और ये जो टमाटर के पेड़ हैं ये उग गए हैं और ये थोड़े कम कम डिस्टेंस पे हैं, तो इनका डिस्टेंस हम बना देंगे। बट ये देखिए कितने अच्छे इसके पेड़ हुए, इसको बीज डाला था और इतने बड़े हो गए समय में। जो पौध हम लोगों ने टमाटर की पहले लगाई थी उसमें तो टमाटर भी छोटे छोटे से उगने शुरू हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए टमाटर की जो पौध के बारे में, जिस पौध के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो ये देखिए ये वो टमाटर छोटे छोटे से उगने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसके साथ साथ हमने जो अचार वाली मिर्चियाँ होती हैं जिनका अचार डलता है, इसका भी एक पौधा लगाया था। ये इसमें भी दो मिर्चियाँ आ गई हैं अभी, तो आप देख सकते हो। अभी हमने करेले के भी बीज लगाए थे, जो हम लोगों ने करेले लिए थे उसमें से एक करेला पक्का निकला था, तो उसके बीज डाले थे। तो ये देखिए उसकी भी बेल बढ़नी शुरू हो गई है, एक दो फूल भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि 15 दिनों में इसमें फल भी आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमें गुमने जो इसमें अपने घर की गाय के गोबर की खाद मिलाई हुई है, ये देखिए खाद अभी बन चुकी है। आप भी चाहते हैं तो इस तरीके से अपने घर पे एक क्यारी बना सकते हैं छत पे, उसमें आप वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं।